आइडेंटिटी कार्ड एक ऐसी चीज है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को इशू किया ही जाता है। अगर हम बल्क में आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं तो उसमें अच्छा खासा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम बल्क में स्टूडेंट या एम्प्लॉय का आइडेंटिटी कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। आईडी कार्ड बनाने के लिए हम दो चीजों का यूज करने वाले हैं, पहला है एक्सेल फाइल और दूसरा है वर्ड फाइल। ये एक एक्सेल फाइल है जो कि मैंने एडवांस में क्रिएट किया हुआ है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ। आप इसमें डिटेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है एम्प्लॉयज के फोटोग्राफ। ये एम्प्लॉयज के फोटोग्राफ्स का एक फाइल है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज के फोटोग्राफ्स हैं। मैंने ये एक न्यू वर्ड फाइल क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हमें जाना होगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हमें जाना है मार्जिन्स में। हम मार्जिन्स को यहाँ नैरो कर देंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आईडी कार्ड एक पेज में क्रिएट कर सकें। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट में, टेबल्स, और मैं यहाँ 9 सेलेक्ट कर लूँगा टेबल्स। ये हमारे टेबल सेलेक्ट हो चुके हैं। हम जाएंगे लेआउट में और इसके साइज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेंगे। मैंने इसकी विड्थ जो है वो 3.3 इंचेस रख लिया है और इसके हाइट को मैं कर लूंगा 198। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फर्स्ट टेबल में। फर्स्ट टेबल में क्लिक करने के बाद हम जाएंगे होम के पेज पे और यहाँ नो स्पेसिंग पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट शेप्स, और यहाँ से हम शेप इंसर्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ शेप इंसर्ट कर दिया है। आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है कि आपका जो शेप है, आपने जो शेप इंसर्ट किया हुआ है वो बॉर्डर्स को नहीं टच होना चाहिए, यानी टेबल के बॉर्डर को टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपरली आपका आईडी कार्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम जाएंगे शेप फॉर्मेट में और इसके बॉर्डर को हम नो आउटलाइन कर देंगे। शेप फिल मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैं यहाँ छोड़ सकता हूँ ब्लू कलर। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने कलर चेंज कर लिया है। इसके बाद हमें राइट क्लिक करना है और जाना है हमें ऐड टेक्स्ट पर। यहाँ मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर दूंगा, टेक ज्ञान VM, और नीचे मैं लिख दूंगा आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हमें इसके फॉन्ट को चेंज कर लेना है, साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इसे मैं राइट साइड में पुश कर दूंगा या फिर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड में। ये करने के बाद मैं बाहर की तरफ क्लिक करूंगा, जाऊंगा इंसर्ट में और मैं पिक्चर में जाऊंगा, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और मैं यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर लूंगा। आप देखेंगे कि पिक्चर इंसर्ट करने के बाद या लोगो इंसर्ट करने के बाद ये मेरा जो फॉर्मेट है बहुत ही अजीब तरीके से नज़र आ रहा है। पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे और जाएंगे रैप टेक्स्ट में। यहाँ जाने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा जो पहले फॉर्मेट था वही फॉर्मेट हमारा अब नज़र आ रहा है। इसे हम मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा लोगो है ये बॉर्डर को टच हो रहा है। हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे और थोड़ा सा रिसाइज और कर लेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमारा जो शेप है, पिक्चर है, वो हमारे बॉर्डर्स को टच नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी टाइम लगता है इसके ब्यूटिफिकेशन में लगता है, फर्स्ट आईडी कार्ड के ब्यूटिफिकेशन में लगता है, इसके बाद कोई टाइम नहीं लगता। ये करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे की ओर डबल क्लिक करेंगे, हम यहाँ इंसर्ट करेंगे नेम, एंटर, डेट ऑफ बर्थ, एंटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंटर, एम्प्लॉय कोड, एंटर, डेजिग्नेशन, और हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे सिग्नेचर का। हम इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ फोटो इंसर्ट करना है। यहाँ हम एक शेप इंसर्ट करेंगे जहाँ हम अपना पिक्चर रखने वाले हैं। इसको हम बीच में ले लेंगे और अपने हिसाब से इसे हम प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ मैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हम शेप फॉर्मेट पे चले जाएंगे। फॉर्मेट शेप में मैं इसका कलर ब्लैक कर दूंगा और बॉर्डर्स को मैं नो आउटलाइन कर दूंगा। ये हमारा हो गया है। ये कलर मेरा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे वापस से ब्लू कर देता हूँ।
अब जो हमारा मेजर काम है आपको गौर से देखना होगा। ये करने के बाद हमें जाना है मेलिंग के टैब में। मेलिंग के टैब में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज का, यहाँ हमें क्लिक करना है और लेबल्स पे हमें क्लिक कर देना है। लेबल्स पे क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप होता है, यहाँ आपको हाफ लेटर जो यहाँ ऑटोमेटिक क्लिक्ड है आपको यहाँ ओके कर देना है। ओके और इसके बाद आप देखेंगे कि आप नेक्स्ट पेज पे डाइवर्ट हो चुके हैं, आपको कमांड जेड देके वापस सेम पेज पर आ जाना है। इसके बाद यहाँ एक आइकन अपडेट होता है या पॉपअप होता है अपडेट लेबल्स का, आपको यहाँ क्लिक करना है और देखिए कि आपके सारे के सारे आईडी कार्ड एक साथ क्रिएट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि शेप या फिर आपका जो आइकन है वो अगर ऊपर या नीचे होगा तो उससे इशू हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इशू हो सकता है। मैं इसके शेप को ऊपर लेके जाता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ जो मेरा शेप है जहाँ मैंने अपना नाम कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो मेरे बॉर्डर्स को टच हो रहा है। अगर मैं अपडेट लेबल्स करता हूँ तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा जो नाम था कंपनी का वो गायब हो चुका है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर ऐसा होता है यानी कि आपने बॉर्डर को कहीं ना कहीं टच किया हुआ है। ये करने के बाद हम नेम पर क्लिक करेंगे, नेम पर क्लिक करने के बाद हम वापस जाएंगे मेलिंग के टैब में और यहाँ सेलेक्ट रेसिपिएंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने डेस्कटॉप पे या फिर उस फोल्डर में जहाँ आपने एम्प्लॉय का डेटा रखा हुआ है। ये मेरे एम्प्लॉय का डेटा है, मैं इसे ओपन कर लूंगा। यस, शीट वन में मेरा डेटा है, मैं इसको ओके कर दूंगा। ये करने के बाद यहाँ पर आता है इंसर्ट मर्ज का फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेम के आगे हम नेम क्लिक कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के आगे डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय कोड, ये हमारा एम्प्लॉय कोड है, डेजिग्नेशन, ये हमारा डेजिग्नेशन है, सिग्नेचर का हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि हमारा एम्प्लॉय मैनुअली वहाँ साइन करने वाला है। ये करने के बाद वापस हम अपडेट लेवल्स पर क्लिक करेंगे और आप देखिए कि हमारा यहाँ ये जो नेम वाला फील्ड है वो अपडेट हो चुका है। हम इसे व्यू करके देखते हैं, ये देखिए जब हमने यहाँ प्रीव्यू किया तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली नज़र आने लगे हैं। ये करने के बाद हमारा जो टास्क मेन टास्क बच गया वो है पिक्चर इंसर्ट करने का। कई लोग पिक्चर जहाँ इंसर्ट करना होता है वहाँ वो लोग टेबल इंसर्ट करते हैं और टेबल में फिर वो लोग लिंक इंसर्ट करते हैं, लेकिन उस केस में इशू ये होता है कि पिक्चर का साइज प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज कई बार काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर पिक्चर का साइज बड़ा या छोटा होता है तो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ इस काम को हम काफ़ी आसानी से करने वाले हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और हम अपने फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद हम यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हमें रैप टेक्स्ट में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। ये करने के बाद हम पिक्चर को करेंगे मिनिमाइज और जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है हम वहाँ प्लेस कर देंगे। ये देखिए कि पिक्चर में इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है तो इसे हम अपडेट कर लेंगे यानी कि क्रॉप कर लेंगे। हम अपने आईडी कार्ड वाले जो फाइल है उसे हम बड़ा कर लेंगे। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे यानी पिक्चर पर डबल क्लिक करेंगे, क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, हम इस पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वापस से हम थोड़ा क्रॉप करेंगे, ये देखिए ये हमारा पिक्चर यहाँ अपडेट हो चुका है। मैं पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ये देखिए। अब एक चीज़ जो हमें करनी है कि हमें यहाँ जो बॉक्स है इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में डाइवर्ट हो जाएंगे, शेप फिल को हमें नो फिल कर देना है और ये देखिए पिक्चर हमारा बहुत ही आराम से यहाँ इंसर्ट हो चुका है। रीज़न ये है यहाँ बॉक्स रखने का कि सारे पिक्चर्स हमारे सेंटर में आए। इन केस अगर हम बॉक्स इंसर्ट नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि पिक्चर हमारा लेफ्ट राइट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर बॉक्स रहेगा तो पिक्चर यहाँ काफ़ी आराम से हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक पिक्चर और इंसर्ट करके दिखाता हूँ, इंसर्ट, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, हम जाएंगे रैप टेक्स्ट में, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये हमारा पिक्चर है, पिक्चर हमारा काफ़ी बड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम इसे छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेंगे साइज़ को, ये हमने साइज़ को एडजस्ट कर लिया। अब हम एज़ पर रिक्वायरमेंट इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, ये पिक्चर भी हमारा काफ़ी बड़ा है, इसे भी हम क्रॉप कर लेंगे।
तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने आईडी कार्ड्स को बहुत ही आराम से क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बता दूं कि ये करने के बाद आप कभी भी मेलिंग टैब में जाके अपडेट लेबल्स को क्लिक ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये देखिए, जो फर्स्ट में आपने डाला था यानी कि फर्स्ट टेबल में जो आपने इंसर्ट किया था, सेम पिक्चर्स सारे जगह आ जाएंगे। तो आपको बारी बारी से पिक्चर्स इंसर्ट करना होगा, लेकिन सारा का सारा जो डेटा है वो एक साथ इंसर्ट हो सकता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में इन आईडी कार्ड्स को क्रिएट किया जा सकता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।